दिवाकर होजी गर्ल्स वियर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ता, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बताएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। सोमवार के दिन दमोह में लगातार हादसे सामने आए हैं। देर शाम एक और हादसा सामने आया, जहां सागर नाका चौकी क्षेत्र में करौंदिया नाले पर एक शव लटका हुआ मिला। यह शव काफी दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा शव को दबवाकर दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा गया है। सुबह पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कराया जाएगा। इस संबंध में क्या कहना है परिजन का व पुलिस का, हम आपको सुनाते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? सर, मेरे पिताजी थे तो शनिवार के दिन से गायब थे, तो हम लोग ने रिपोर्ट लिखाई सर आज सुबह, तो देखते हैं दिन भर। तो आज मैंने लोकेशन ढूंढा तो मेरे को सागरना के पास क्या बोलते हैं नर्सरी के पास मेरे को और पापा का ऑटो मिला। ठीक है, तो मैंने और आगे देखा, ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं जाके सर को मतलब दूध वाली गया, वहाँ सर को बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा ऑटो मिला है पापा का, तो आप कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फोन आया, फिर मैंने अपने पापा के नंबर पर फ़ोन लगाया, तो फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, बोले अस्पताल आ जाओ। क्या नाम है इनका? लल्ला बंसल। कितने दिन से घर से गायब है? शनिवार के तीन चार दिन से गायब थे, शनिवार के दिन से गायब थे। आपका क्या नाम है? धनीराम बंसल। कहाँ रहते हैं आप? सुभाष कॉलोनी। अभी कहीं बाहर थे आप? हाँ, अभी मैं 12 बजे में इंदौर से आया हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। क्या करते थे पापा आपके? ऑटो चलाते थे सर। किसी से कोई विवाद वगैरह था क्या? क्या था, कैसा था? तो नहीं सर मालूम। क्या लगता है आपको क्यों उठाया होगा ऐसा कदम? नाले के पास में एक शॉप लगा हुआ हुआ है, उसके पास मोबाइल लग रहा है। जब हम सब पंचनामा कार्य कहेंगे उस मोबाइल किसका है, उससे जब बातचीत हो जाएगी तब अपन पता चलेगा। सर क्या लग रहा है लगभग कितने दिन पुराना हुआ ये अपन नहीं बता सकते।